हाँ नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 15.2 और कल मैंने आपको बताया था वर्तखंड, त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई और उससे संबंधित क्षेत्रफल। दोबारा देख लीजिए एक बार कि मैंने क्या बताया था आपको। क्या है ये बताओ, यह है क्या? त्रिज्याखंड। दूसरा बताया था क्या? ये जीवा और जीवा द्वारा ये आंतरित खंड क्या बन गया? वर्त खंड। और चाप की लंबाई तो ये हो गई, यह है क्या? है चाप की लंबाई। ठीक है, अब इनसे संबंधित मैंने आपको क्षेत्रफल के सूत्र बताए थे, तो इसका क्षेत्रफल का यहां होता है ये कोण क्या, थीटा बोल दो। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र मैंने बताया था आपको कल, क्या था बताओ? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने हिंट भी दिया था आपको कि 360 में से इसका जितना हिस्सा है और ये वर्त में से, इसलिए वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। वर्तखंड क्या केंद्र है, यहां डाल दो त्रिज्या, तो ये त्रिज्या डाल दी, तो ये मान लीजिए ए, यहां है बी और यहां क्या है सी। हमें तो केवल इतने से भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इसी को तो वर्तखंड कहते हैं। तो सीधा सा सूत्र क्या बन रहा था अपना, क्या कि ये तो पूरा हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जानते हैं आप? क्या? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा के मान मैंने कल बताए थे आपको, कैसे वो सारणी बनाना सिखाया था, 1, 2, 3, 4 फिर उसके ऊपर रूट, और वो किसके माना जाएंगे? 0, 30, 45, 60 और 90 के साइन के। अब आगे चलते हैं आज अपनी प्रश्नवाली के क्वेश्चन निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया अपना दोहरान। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन था अपना, हमने क्वेश्चन कर लिए थे कल 4, अब अगला क्वेश्चन है 5वां। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आती है अपनी घड़ी और उसकी सुइयों के द्वारा निर्मित कोण, उनको समझा देता हूं पहले आपसे, ये देख लेते हैं एक बार। देखो यहां यह है घड़ी, अब घड़ी में तीन सुइयां होती हैं आप जानते हो, एक तो होती है ये किसकी है सेकेंड, दूसरी होती है मिनट, तीसरी होती है घंटे की सुई। रट्टे मत मारिए, समझिए इनके द्वारा निर्मित कोण। अब एक बात बताइए, ये सेकंड वाली सुई की बात करते हैं अपन, सेकंड वाली सुई यहां से लेकर पूरा राउंड काट किया जाती है, कितने डिग्री का कोण बना देती है? एक चक्कर में सेकंड की सुई द्वारा निर्मित कोण कितना होगा भाई? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चली यहां से लेकर यहां तक, पूरा चक्र काट के आ गई, कितने डिग्री का कोण बना देगी? 360 का। तो अब एक सेकंड में सेकंड वाली सुई से निर्मित कोण तो कितना हो जाएगा बताओ? कि 360 बट्टे में कितना? 60। काट दिया भाई,
कितने डिग्री का आ गया, 6 डिग्री का। 360 में 60 आ जाता है, कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। यानी अपन अपनी भाषा में कह सकते हैं कि एक सेकंड में सेकंड वाली सुई कोण कितने के डिग्री का बना देती है, 6 डिग्री का, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को बारे से पूछता है कि सेकंड वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, बताओ। एक चक्कर था, एक चक्कर को मैं क्या कह सकता हूं, 60 सेकंड भी कह सकता हूं। तो 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये 360। और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, क्या 60 सेकंड को क्या बोल सकता हूं, एक मिनट भी बोल सकता हूं। तो इसमें डाउट करने वाली बात नहीं है, आपको याद इतना रखना है कि एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। याद नहीं रहता तो आप निकालना सीख लीजिए, क्योंकि एक राउंड का मतलब होता है कितना, 360 डिग्री का कोण कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। तो इसलिए एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण। हो गया क्या? आगे देखो, ये तो गई बात किसकी, सेकंड वाली सुई की। अब हमारे पास ऐसे निकल के आता है रिजल्ट, ये निकल के आया कि सेकंड की सुई एक सेकंड में, कि सुई एक सेकंड में निर्मित कोण, निर्मित कोण कितने का कोण बना रही है भाई, एक सेकंड में कितने डिग्री कोण बना रही है, 6 डिग्री का। याद रख लेना कि सेकंड की सुई एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। ये बात हो गई किसकी, सेकंड की। अब आते हैं मिनट की सुई, मिनट की सुई पर आ जाओ। ये यहां से लेकर यहां तक आती है मिनट की सुई, कितने मिनट कवर कर लिया भाई, ये ऐसे यहां तक एक राउंड मार देती है। तो हमें पता है 5, 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ये 35, 40, 45 और 50, 55, ये 60, 60 मिनट होते हैं। यानी अपन बोल सकते हैं क्या कि एक मिनट में, या इससे बोल दो कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा निर्मित कोण कितने का हो गया, 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितने का होगा भाई, एक मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा निर्मित कोण, तो कितना हो गया, 360, और बटे में कितना, 60। एक मिनट का निकालना है हमें, कितना आया, 6 डिग्री। यानी हमें वही निकल गया आता है क्या, कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देगी, कि मिनट वाली सुई एक मिनट में निर्मित कोण कितने डिग्री का हो जाएगा भाई, 6 डिग्री का। अब बताओ क्या याद करना है हमें, कि सेकंड वाली सुई एक सेकंड में 6 डिग्री का, मिनट वाली सुई एक मिनट में निर्मित कोण कितने का, 6 डिग्री का। चलो जी, अब आज बात करते हैं घंटे की। बताओ भाई, ये घंटे वाला सुई यहां पर है, वापिस यहां पर ही आ जाता है, कितने घंटे लगे, 12 24, एक दिन में कितने घंटे, 24। एक चक्कर का मतलब 12 घंटे। तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई से निर्मित कोण कितने डिग्री का होता है भाई, 360 डिग्री का। एक का निकालना है, इसलिए एक घंटे में घंटे वाली सुई से निर्मित कोण, तो 360 बटे में क्या, 60 आएंगे क्या, क्या आएगा,
बारह, यही गलती हमसे हो जाती है। तो कितना होएगा, बढ़ते 36 कितना 30 डिग्री। यानी अपन के ये कह सकते हैं एक घंटे में घंटे वाली एक घंटे में घंटे वाली सुई से निर्मित कोण बराबर कितना आ गया भाई 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे भी समझना आप, कॉमन सेंस की बात है। अब मैं ये पूछ लूं आपसे कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, कॉमन सेंस की बात है। एक घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो मिनट में घंटे में मिनट कितनी होती भाई 60 मिनट, कितने मिनट होती है 60, और 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण 30 डिग्री का कोण घंटे वाली सुई, मिनट वाली की बात नहीं कर रहा घंटे वाली सुई से। तो एक मिनट में कितने का बना देगी फिर 30 बटे में क्या हो गया 60, क्या आया 1/2। एज ए दिमाग को रिचार्ज करने के लिए, घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री, एक मिनट में कितना 1/2 डिग्री। ये बातें मैंने इसलिए समझाई आपको, सीधा मैं क्वेश्चन हल कर सकता था, लेकिन कॉमन बातें यदि हमें नहीं आती है, अगर अगले ने दे दिया कि घड़ी की मिनट की सुई है, घंटे की सुई है, सेकंड की सुई है, तो फिर हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ये बातें याद होनी चाहिए। वापिस देख लो, रिविजन करा देता हूं एक बार। सेकेंड की सुई एक सेकेंड में कितने डिग्री का, कितने डिग्री का बताओ 6 डिग्री। ठीक है, मिनट वाली सुई भी एक मिनट में कितने का 6 डिग्री का, लेकिन घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। लेकिन ऐसे पूछ ले कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, तो कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री। अब हम क्वेश्चन हल करने के लिए तैयार हैं, यह हमारे पास है, तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका ऐसा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई प्रश्न संख्या है अपनी 5 और प्रश्न वाली है 15.2। घड़ी के मिनट की सुई, मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई 10.5 सेमी है, सेमी है। मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये लो। अब क्या दे रहा है वो समझो, देखो ये लो जी, घड़ी देखी है आपने, सबने देखी है, ये लो जी, ये है घड़ी अपनी, HMT की घड़ी है भाई। कौन सी? HMT की, देख लेना, सॉरी मत बोल लेना भाई। इसमें एक ही सुई बनाएंगे भाई अपने, तो किसकी सुई की बात कर रहा अपने, मिनट की, तो मैं तो मिनट की बनाऊंगा, ये मिनट की सुई है। ठीक है, और इस सुई को यहां ना बना कि मैं यहां बना देता हूं, चलो जी। अब ये मिनट की सुई है, अब इसकी लंबाई कितनी है 10.5 सेमी लंबाई। फिर क्या कह रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में
अब 10 मिनट में ये मान लो ये सुई यहां थी, यहां आ गई, ठीक है, ये कवर कर लिया यहां से यहां तक, 10 मिनट हो गया, ये यहां तक का क्षेत्र कवर कर लेती है, ठीक है। 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल चाहिए। अब बताओ हमारा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है उसमें ऐसे है कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान चाहिए, और थीटा का मान मैंने अभी 5 मिनट पे यानी इससे पहले सिखाया है, 5 मिनट का हो गई, कि इसे कैसे निकालेंगे थीटा का मान, ऐसे वापिस में चलो, वापिस प्रोसेस याद नहीं रहा, ये मान लो हम भूल जाते हैं कि हमें याद नहीं है कि मिनट की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो अपन ऐसे लिखेंगे क्या कि पूरा कितना ये यहां से यहां तक का चक्कर कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है बताओ, 360 कैसे हुआ 360 कि ये मान लो यहां की सुई यहां से लेकर पूरा राउंड काट के आ जाती है, तो ये यहां से चल रही है सुई, तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना देगी 360 डिग्री का, इसलिए एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी 360 बटे में कितना 60, हालांकि हमें याद है कितने डिग्री का बनाती है भाई 6 डिग्री का, इसलिए 10 मिनट में मिनट वाली सुई से निर्मित कोण क्या आएगा भाई, तो आपको बताएं 10 मिनट में मिनट वाली सुई से निर्मित कोण, तो 10 इंटू 6 कितना आ गया 60 डिग्री, यानी हमारे पास अब थीटा का मान हो गया कितना 60 डिग्री हो गया। अब तो वे कल वाले क्वेश्चन की जैसे क्वेश्चन हो गया अपना, क्या कि हमें निकालना है क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब थीटा का मान कितना हो गया यहां बताओ, कितना हुआ 60 बटे 360 इंटू पाई का मान वही 22 बटे 7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 लगा दिया कि हमें पता है आर कितने देर की है 10.5, तो यहां 10.5 इंटू 10.5, कल भी मैंने ऐसा सवाल आया था अपनी यही संख्याएं थी फिगर यही थे बटे में लगा दिया था 10 और यहां काटा था कितना आ गया था 6, यहां काटा था तो 11 और यहां कितने आए थे 3, फिर और यहां से काटा था मैंने 7 + 7 = 35, ठीक है। अब 3 से ये कट जाएगा और 3 × 5 = 15 जैसे आपको याद हो, तो अब मैंने क्या किया था आपको याद हो तो 15 को 5 से गुणा करके किससे गुणा किया था 11 से, और भाग किसका दिया था 100 का, कर लीजिए 15.75 गुणा कितना हो गया, गुणा किससे करना है नहीं 105 को करना है सॉरी, तो 105 को तो 25 और 5 × 5 = 5 गुणा किससे करना है 11 से, और भाग कितने का देना है 100 का। अब आपको हो गया कि सर 5 से कट रहा है लेकिन जब बट्टे में जीरो वाली संख्या हो हमें पता है भाग देना है, तो जीरो का भाग अपन देते तो जीरो जिस संख्या के लगा हो तो भाग देने में क्या होता है आसानी रहता है, पॉइंट लगा दो उतने स्थान छोड़ गए, तो 11 को 5 से गुणा किया 53 = 55 हासिल करती 5, 22 से 5 = 27 हासिल कितनी 2, और 55 + 55 = 2 = 57 बट्टे में कितने 100, कितने स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दू 2, तो 57.75 किसमें इकाई अपनी सेमी में, तो यहां लगा दो सेमी स्क्वायर, वापिस वही बात कि क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है सेमी स्क्वायर में क्षेत्रफल आता है, यदि हम स्क्वायर में नहीं लगाते हैं तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत, अगला नंबर हमारे काट सकता है, ठीक है।
अब बताओ इसमें कौन सी समझने वाली बात थी, वही शुरुआत का जिसे हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको सूत्र याद होना ही चाहिए। फिर मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यदि आपको गणित सीखनी है तो आपको सूत्र आने ही चाहिए। मैं ये दूसरी भाषा में अपन ये बोल सकते हैं कि गणित का आधार ही क्या है, सूत्र। यदि सूत्र आते हैं तो गणित हमें आ जाएगी, इसलिए इनका नियमित अभ्यास करें, रोज लिखें, रोज मनन करें इनका, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन। 3 मिनट की सुई वाली क्वेश्चन, आपके एग्जाम्पल भी हैं, उनको हल करना और देखना। इसका जैसा ही एग्जाम्पल है, उदाहरण आपका, तो उसको हल करना आप। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि 3.5 सेमी त्रिज्या के वर्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कल मैंने बताया था आपको वर्तखंड के बारे में, वापस देखो यहां, रट्टे मत मारिए, समझिए। कई बार तो हमें क्वेश्चन में यही पता नहीं रहेगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है या वर्तखंड का। अगला साहब कह रहा है किसका लगाना है भाई, लघु वर्तखंड। यह आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि कहां त्रिज्या खंड है और कहां वर्तखंड है, तो आपको क्वेश्चन को हल कर दोगे। कई बार यह भी डाउट रहता है, लघु नहीं लिखा साहब, वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वर्तखंड का क्षेत्रफल निकलवाता है आपसे तो पक्का है कि क्या होगा, लघु ही होगा, दीर्घ कभी भी नहीं होगा। दीर्घ के लिए पर्टिकुलर यहां लिखेगा कि दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जीवा क्या होती है, मैंने बताया था कल आपको कि एक वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाकर डाली जाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा। और यह भी बताया था मैंने, याद हो तो आपको, कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, बताओ, क्या है भाई, व्यास, केंद्र से गुजरता है। और ये अब ये भी कह सकते हैं जीवा वर्त को दो भागों में बांटते हैं, लेकिन व्यास के लिए ये कहेंगे कि व्यास वर्त को दो समान भागों में विभाजित करता है, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन पे आ जाओ वापिस, ये जीवा है जी, ये कि ए और बी इस क्वेश्चन की क्या है, जीवा। जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यानी ये जीवा ये वर्त का क्या है, केंद्र, इस पर कोण आंतरित करती है, वो कितने डिग्री का करती है, 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। चलो जी आगे देखो, जीवा द्वारा बनाए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये जीवा दो प्रकार के वर्तखंड बनाती है, कल बताया था मैंने आपको, याद हो तो, ये जीवा है, एक वर्तखंड इधर बन रहा है, दूसरा ये इधर वाला, इसका विपरीत जो बन रहा है। अब मैंने कहा था कि जो ये छोटा बन रहा है उसको तो बोलते हैं लघु, और जो बड़ा है उसको क्या कहेंगे, दीर्घ। नाम से पता लग रहा है, लघु छोटा, दीर्घ बड़ा। अब लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कौन सा हुआ, लघु कौन सा है, यहां ये रहा लघु, ठीक है। अब इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था आपको, क्या बताया था याद हो तो,
बताओ देखिए कि थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एक बट्टा दो आर स्क्वायर साइन थीटा, यही था। दूसरे शब्द में अपन बोल सकते हैं, रट्टे मत मारिए, समझिए, ये यहां से लेकर यहां तक का तो पूरा बन रहा है त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब इसमें से हमें तो ये छायांकित भाग का चाहिए, ये मान लीजिए, तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा मुझे, त्रिभुज घटाना पड़ेगा, तो क्या बचा एक क्या बचा, यानी घटाना क्या है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था आपको, एक बटा दो आर स्क्वायर साइन थीटा, त्रिकोणमिति से लिया है ये। अब देखिए हमें जो चीज चाहिए वो देखिए, आर का मान अगले ने दिया है, कितना है आर, आर त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या बताओ 3.5 सेमी, ठीक है। थीटा का मान भी हमारे पास है, जीवा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का, ठीक है, और आर हो गई। अब चाहिए साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान होता है, हमें पता है साइन 90 डिग्री, कल सारणी बनाई थी, साइन 90 का मान कितना था, एक। अब आपको इसमें मान फिट कर देना है, कीजिए, थीटा का मान 90 बट्टा 360 इंटू 22 बटा 7, और आर का मान कितना है, आर का मान कितना है 3.5 गुणा 3.5 माइनस 1 बटा 2, आर का मान कितना 3.5 गुणा 3.5 इंटू साइन 90, और 90 का मान कितना है 1, मान भर दिया। अब हल कर लीजिए, 9 चौके 36, काट इसका पॉइंट हटा दो, यहां 10 हो जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 10, 7 पंजे 35, 5 दुए 10, 2 से यहां काट दो कितना हो गया 11, ठीक है। अब क्या बच रहा है यहां, 35 इंटू 11 बटा, यहां 4 है और यहां 10 है, 40 माइनस, यहां पर भी पॉइंट हटा दो 10, और यहां पर भी पॉइंट हटा दो 10, तो 5 से कट रहा है यहां, 7 यहां कितना हो गया 2, यहां 7 यहां कितना हो गया 2, तो 7 7 49, 2 2 4 4 2 8, ये और कट रहा है तो और काट दीजिए इसको, 5 से कट रहा है 7, और यहां कितना हो गया 8, तो 77/8 माइनस 49/8। अब आप जानते हो यह लघुतम लेके हल करना पड़ेगा, लेकिन हर समान तो हम सीधा घटा सकते हैं और हर वो की वो रख सकते हैं, तो 17 में से 9 गेत कितने आए भाई 8, और यहां कितना बचा है 16 बच रहेगा 6 में से 4 गेत तो 2/8, और कट रहा है काट दीजिए, कितना बचा 14/ कितना 4, और कट रहा है 7/2, यानी कि 3.5 सेमी स्क्वायर, यह क्या आ गया इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो निकाल सकते हैं आप इस प्रकार से वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगला किस्म देखिए, नमस्कार, आगे समय का अभाव होने के कारण अगला क्वेश्चन कल बताया जाएगा।